नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वह है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को तमाम मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने बुलाया गया था। तभी यह अनुमान लगाया गया था कि वे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान विदेश सचिव उनको बनाया गया था। जयशंकर का विदेश सचिव के रूप में करीबन 3 साल का कार्यकाल रहा। वे जनवरी 2015 से 2018 तक इस पद पर रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि परमाणु कूटनीति में विशेषज्ञता के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उन्होंने अध्ययन किया। माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सफल अमेरिकी यात्रा और ओबामा को गणतंत्र दिवस के अतिथि तौर पर भारत बुलाने के पीछे जयशंकर की अहम भूमिका रही। असैन्य परमाणु समझौते को लेकर भारत को जो दल अमेरिका से बात कर रहा था, जयशंकर उसी के सदस्य थे। दूसरे पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ ली। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल को भी मंत्री पद मिला है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, अर्जुन मुंडा ने भी मोदी कैबिनेट के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, यही नहीं, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। अमित शाह ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के बाद पद और गोपनीयता की शपथ ली है। दोस्तों, पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो रहा इंडियन एयरफोर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को 3 महीने में पहला फ्रांस निर्मित मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल की डिलीवरी मिल जाएगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैन्युफैक्चरर्स इस साल 2019 में इस विमान को भारतीय वायुसेना को सौंप देंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के साथ उड़ान के लिए इसे मान्य करने के लिए 1500 घंटे के गहन परीक्षण से भी गुजरना होगा। दोस्तों, अभी जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ को लेकर। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि बीएस धनोआ कल शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि एयर मार्शल बीएस धनोआ ने आज नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का बैटन प्राप्त किया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख शामिल होते हैं और सबसे सीनियर सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता के अनुसार एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ 31 मई से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होंगे और सुनील लांबा को इस पदभार से मुक्त किया जाएगा। दूसरे पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पोत इन्वेस्टिगेटर एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है जिसे अंडमान निकोबार कमान में 6 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा करने के बाद इसे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अंतर्गत दक्षिणी नौसेना कमान में कोच्चि में तैनात किया जाएगा। 1900 टन का ये जहाज कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया था और 11 जनवरी 1990 को इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। इसमें 20 अधिकारियों के साथ साथ 200 नाविकों की रहने की भी क्षमता है। इस जहाज को आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है जिसमें डीप सी मल्टी बीम इको साउंडर सिग्नल शामिल है। इसके अलावा इसमें मॉडर्न सर्वे सॉफ्टवेयर सूट भी शामिल है। साथ ही ये अपनी दूसरी भूमिका यानी कि इमरजेंसी और वार यानी कि युद्ध के समय में इस शिप को 40 बेड वाले हॉस्पिटल में भी बदला जा सकता है। 29 सालों में इस पोत ने भारत और विदेशी जल मार्ग में कई हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। दोस्तों, पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो रहा है अमेरिका को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण के साथ अमेरिका के राजनयिक भारतीय अधिकारियों के साथ सामरिक मसलों पर चर्चा के लिए भारत दौरे पर आए हैं। अमेरिकी दल सिंगापुर होते हुए भारत और श्रीलंका के दौरे पर आ रहा है। इस दल की अगुवाई राजनीति और सैन्य मामलों के सहायक विदेश मंत्री आर क्लार्क कूपर कर रहे हैं जो 31 मई को भारतीय अधिकारियों से मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सहायक विदेश मंत्री कूपर रक्षा सहयोग और शांति स्थापना संबंधी वार्ताओं में भाग लेंगे। दोस्तों, पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इसराइल को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसराइल के सांसदों ने गुरुवार को बहुमत से संसद भंग करने का फैसला किया। इसके चलते देश में इस साल दूसरी बार संसदीय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, पर संसद को भंग करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को अपनी गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहे। अब इसराइल में 17 सितंबर को फिर से चुनाव होंगे और नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसराइल के सांसदों ने 45 के मुकाबले 74 मतों से संसद भंग करने का फैसला किया। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को हुए आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बहुमत नहीं मिलने के बावजूद नेताओं 5वीं बार देश की कमान संभालने की तैयारी में जुट गए थे। उन्हें पूरे यकीन के साथ कहा है कि वह अन्य राष्ट्रवादी और धार्मिक दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार बना लेंगे। नेताओं 2009 से इसराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसराइल की संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव होने के 50 दिन के अंदर नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संसद को भंग कर दिया जाता है और नए सिरे से चुनाव करने का प्रावधान है।
दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों वीडियो संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोज की लेटेस्ट जानकारी पाएं।